तो आज का जो हम लोग विषय लेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें यूनियन और स्टेट के जो मध्य संबंध हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परीक्षा उपयोगी प्रकाश डाला जाएगा। तो सबसे पहले जैसा कि आपको स्पष्ट ही है कि जो भारत है, इंडिया है, वो राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। जब आप आर्टिकल 1 देखते हैं तो उसमें ये लिखा है कि भारत यानी इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। तो ये जो संघीय शासन है, तो संघीय शासन की जो अवधारणा है वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है और संघीय शासन की एक विशेषता है शक्तियों का वितरण करना किसके मध्य में, यूनियन और स्टेट के भी मध्य में। तो इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए संविधान के भाग 11 और 12 में यूनियन और स्टेट के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, यानी राज्य और केंद्र के मध्य जो संबंध हैं, कौन कौन से संबंध हैं, लेजिस्लेटिव संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक संबंध और फाइनेंशियल रिलेशन वित्तीय संबंध। ध्यान देने योग्य बात है कि ज्यूडिशरी यानी न्यायपालिका को इससे पृथक रखा गया है। भारत में न्यायिक शक्ति का विभाजन यहाँ पर नहीं किया गया है क्योंकि यह प्रक्रिया एकीकृत इंटीग्रेटेड है, इसलिए न्याय को यहाँ पर पृथक रखा गया है। यूनियन और स्टेट के मध्य जो विभाजन किया गया है, जो उनके बीच रिश्ते बताए गए हैं, किसमें, यूनियन स्टेट में विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो बिल्कुल इस पर जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान देते हैं तो जनरली पॉइंट को ही ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले यूनियन और स्टेट के मध्य जो संबंध हैं उनके बारे में संक्षिप्त जब व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव यानी विधायी संबंध, ये तो क्लियर ही होगा कि इनके बाद 3 तरह के संबंध होंगे, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल, और इन्हीं का विभाजन हो रहा है। अब देखिए जो लेजिस्लेटिव हैं ये कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में, ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि विधायी संबंध यूनियन और स्टेट के बीच क्या संबंध है उन्हें। आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक ये चीज़ याद हो गई, कभी मिलाने के लिए क्वेश्चन में आता है कि विधायी संबंध किस अनुच्छेद में कहाँ तक दिए हैं, तो किसके मध्य में, केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध 245 245 से लेकर 255 तक वर्णित है। अब ये किस पार्ट में है, संविधान के किस पार्ट में है, तो जो पार्ट यानी भाग है वो 11 है, पार्ट 11 में। तो विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक यूनियन स्टेट के मध्य कहाँ वर्णित है, संविधान के पार्ट 11 में और 245 से 255 तक, बिल्कुल क्लियर है। आप देखिए यहाँ 255 खत्म हो रहा है, अब यहाँ से आगे ही शुरू होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासकीय जो संबंध है वो किस अनुच्छेद में कहाँ तक प्राप्त होंगे, फिर वो एक ग्राफ बना लीजिए, देख लीजिए यहाँ से छोड़ा था एक आगे लिख लीजिए, कहाँ तक चलेंगे, 263 तक। तो इन दोनों के मध्य प्रशासकीय संबंध कहाँ दिखेंगे, 256 से
256 से 253 तक, और ये भी पार्ट 11 में दिए गए। ठीक, अब देखिए ये यहाँ पर जैसे ख़त्म हो रहा है, अब फाइनेंशियल रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स भी दिए हुए हैं। 263 यहाँ ख़त्म हुआ था, 264 से लेकर 293 तक। ये अभी पार्ट 11 था, यहाँ ध्यान देने वाली बात है यहाँ पार्ट 12 हो जाएगा, 12 जो वित्तीय संबंध हैं भाग 12 में दिए गए। तो कितनी चीज़ दिख रही है, बिल्कुल ब्रीफ में देख लिए। संविधान जो कि संघीय शासन प्रणाली है, जो कनाडा से प्रेरित है, और भारत चूंकि राज्यों का एक संघ है, इसलिए इनके मध्य जो संबंध है में शक्तियों का विभाजन भी होगा, वितरण भी होगा, तो किस प्रकार से किया जाए, तो पार्ट 11 और 12 राज्य केंद्र के मध्य शक्तियों का वितरण बताते हैं। किस प्रकार से होगा, विधायी शक्तियों का, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस। तो विधायी शक्तियां कहां दिखाई पड़ेंगी, 245 से 255 के बीच, एडमिनिस्ट्रेटिव 256 से 263 के बीच, और फाइनेंशियल 264 से 293 यानी 293 तक। तो यानी अब पार्ट 11 12 में ही आ गया, इतना क्लियर हो गया आपका। अब चूंकि इसको ब्रीफ में करना है, विस्तार में नहीं करना है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस पार्ट में फाइनेंशियल रिलेशन में क्या चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप खाली एक चीज़ महत्वपूर्ण देखिए, आर्टिकल 280 जरूर देखिए, 280 फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के बारे में बताता है। वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का तात्पर्य है कि एक संवैधानिक संस्था है, और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, कहाँ बताई गई है, तो आप इसका जवाब देते हैं आर्टिकल 280 पार्ट 12 में दिखाई पड़ती है वित्त आयोग। तो उसी प्रकार से अब इधर वाले को छोड़ेंगे, ये थोड़ा विस्तृत है विधायी, तब तक देखते हैं प्रशासकीय संबंधों में क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, कौन से वह अनुच्छेद हैं जो उपयोगी होते हैं। देखिए क्योंकि देख लिया 256 से 263 की तभी हमको जाना है, तो इसमें कौन कौन से वो जो आर्टिकल्स हैं जो हमें ध्यान देने होंगे। यहाँ 280 देखा था, और यहाँ देखेंगे हम लोग 261 263 अब इसको इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसका जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स 261 आर्टिकल 262 आर्टिकल 263, तो अब इसमें आप गौर करिए इस बात के लिए कि जितने भी आर्टिकल्स हैं आपके 261 262 और 263 ये आपको प्रशासकीय संबंध के बीच में दिखाई पड़ रहा है, यानी राज्य और केंद्र के बीच में। तो इसमें इसकी हेडिंग याद रखनी पड़ती है जो 261 है, तो एफ एफ सी सी, ये थोड़ा सा एग्रीगेट किया हुआ है, इसको देखिए पूरा वर्ड, फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लास, फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लास, यानी पूर्ण विश्वास एवं पूर्ण विश्वास, फुल फेथ एंड फुल क्रेडिट क्लास, तो इसको क्रेडिट का ये लिखिए मान्यता, पूर्ण विश्वास एवं पूर्ण मान्यता खंड किस अनुच्छेद में वर्णित है। 261 की हेडिंग है फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लास, ये आपको प्रशासकीय संबंध में दिखाई पड़ता है, आर्टिकल इसका याद रखना पड़ता है। अब उसी तरह से 262 पे आइए, इसको थोड़ा सा जब पढ़ा करें, जब बड़े सवाल में देखें, तो इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है
उसको 131 के साथ में रीड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप सीधे इसको देखेंगे 262 को किस रूप में, कि डिस्प्यूट रिलेटेड टू वाटर। कुछ ऐसे मामले हैं जो कि जल से संबंधित विवाद से, जल विवाद से संबंधित मामले, तो एडजुडिकेशन न्याय निर्णय करना, यानी आप ऐसे ध्यान रखें एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर, यानी जल से संबंधित विवाद जो राज्यों के मध्य उत्पन्न हो उनमें न्याय निर्णय करने के लिए संसद को शक्ति दी गई है कि वह इस पर विधि बना ले। तो ये जो है प्रशासनिक संबंध में ही दिखाई पड़ता, और इसका हेडिंग याद रखनी चाहिए कि एडजुडिकेशन, अगर न्याय निर्णय नहीं याद रखेंगे तो आप भूल जाएंगे इसको, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू वाटर। तो इसकी हेडिंग अगर याद रखेंगे तो आपको ये चीज़ आसान पड़ेगी कि जल विवाद से संबंधित न्याय निर्णय किस अनुच्छेद में दिखाई पड़ता है। 263 ये इंटर स्टेट काउंसिल है, ISC, अंतर राज्य परिषद है, इंटर स्टेट काउंसिल। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप निसंकोच बता सकते हैं कि 263 में इसका वर्णन दिया गया है। और इसका गठन कौन करता है, अगर ध्यान रहे तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, तो इसका गठन जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो आपको तीन हो गए, इसे फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लास, एडजुडिकेशन टू डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर बिटवीन स्टेट्स, 263 इंटर स्टेट काउंसिल अंतर्राज्यीय परिषद। तो इधर से 280 आया था, इधर से 3 आ गए, तो 4 आर्टिकल्स आपके लिए महत्वपूर्ण हो गए। और इसके बाद ये देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तो ये पूर्ण विश्वास मान्यता खंड, जल से विवाद और अंतर्राज्यीय परिषद, और इधर विविध आयोग। तो दो आपके जो महत्वपूर्ण संबंध थे, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध, इनमें जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु है आपने उन्हें देखे। अब चूंकि मुख्यतः विधायी शक्तियों पर विचार करना है, लेजिस्लेटिव यानी विधायी शक्ति, ये थोड़ा सा क्या कहें इसको, ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है विधायी शक्ति। किसके मध्य, यूनियन के मध्य और स्टेट, इनके मध्य विधायी शक्तियों का वितरण करना है। आर्टिकल आप पहले देख चुके हैं, 245 से लेकर जो हम लोग पढ़ेंगे इसको 255, तो ये आपके सामने इम्पॉर्टेंट है। इसमें से शुरुआत से ही ध्यान रख लीजिए, ये आर्टिकल जो है 248, इसको अलग से याद कर लिया कीजिए, ये रेसिड्यूरी पावर, विशिष्ट यानी अवशिष्ट शक्तियों को बताता है कि अवशिष्ट शक्तियां कहाँ, अवशिष्ट शक्तियां रेसिड्यूरी पावर कहाँ पर है, किस अनुच्छेद में दी गई, अवशिष्ट शक्तियां 248 में वर्णित है। ये सीधा आपको आर्टिकल शुरू से याद होना चाहिए कि रेसिड्यूरी पावर जो है कहाँ पर वर्णित है, और रेसिड्यूरी पावर के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका जो सोर्स है कहाँ से प्रेरित है, ये रेसिड्यूरी पावर जो है, रेसिड्यूरी जो पावर है ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है, या आप लिख सकते हैं कनाडा, ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। तो रेसिड्यूरी पावर जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो ये पहले से अलग कर दिया। अब इसकी स्कीम पे आ जाते हैं कि लेजिस्लेटिव जो शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ हैं यूनियन और स्टेट के बीच में देखना, वर्सेस सबसे पहले
ये मान लेते हैं, ये चूंकि भारत राज्यों का एक संघ है इंडिया, ये इसका पूरा राज्य क्षेत्र है, ये पूरी टेरिटरी है। तो जब 245 देखेंगे, इसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि विधायी शक्तियों का जो वितरण है उसको इन दोनों के मध्य जो किया गया है वो तो या तो टेरिटोरियल बेसिस यानी क्षेत्र के आधार पर किया गया है या सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु के आधार पर किया गया है। तो टेरिटरी के आधार पर 245 में क्लास 1 देखेंगे और 2, और सब्जेक्ट मैटर के लिए 246, और उसमें जो एक प्रिंसिपल चीज होंगे उसके लिए इसके साथ में रीड विद 254 भी देखेंगे। तो पहले अपने पॉइंट को बिल्कुल उसको विस्तार में नहीं पढ़ना, पॉइंट को क्लियर करते हैं कि एक्सटेंड एक्सटेंड ऑफ लॉस मेक बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट, यानी राज्य और यूनियन के द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार किस प्रकार का प्रभाव रखने वाला होगा। तो आर्टिकल 245(1) कहता है कि पार्लियामेंट जो है, मतलब यूनियन है, पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट में मेक अ लॉ फॉर द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, यानी होल पूरे टेरिटरी के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र के लिए यूनियन यानी पार्लियामेंट लॉ बना सकेगी, यानी पूरे भारत राज्य क्षेत्र के लिए या उसके किसी भाग के लिए, पूरे या उसके किसी भाग के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकेगी। दूसरी ओर इसका दूसरा हिस्सा कह रहा है कि जो राज्य है, स्टेट्स हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, वो केवल अपने राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए, जैसे यूपी स्टेट है तो अपने पूरे राज्य क्षेत्र के लिए या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। तो बिल्कुल क्लियर है कि राज्य जो यूनियन है वो पूरे भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत विधि बना सकेगी या उसके किसी भाग के लिए बना सकेगी। उसी तरह से जो राज्य है वो केवल अपने राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। तो ये एक में लिखा है 245 के एक में। अब ये जो इसका 245 को जो 2 क्लास है ये इम्पॉर्टेंट कहता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल यानी क्षेत्रातीत, क्षेत्रवाय, क्षेत्र। अब यहाँ गौर करिए कि ये कह रहा है सब क्लास 2 कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसी विधि बनाती है जिसका प्रवर्तन भारत राज्य क्षेत्र के बाहर रहने वाले नागरिकों या संपत्तियों पर पड़ता है तो ऐसी विधि अभिधिमान्य नहीं समझी जाएगी। तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि खंड 2 जो है वो क्षेत्रातीत विधियाँ बनाने की शक्ति, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बनाने की शक्ति पार्लियामेंट को देता है, किंतु राज्य इस प्रकार की कोई विधि नहीं बना सकता है जो उसके क्षेत्र के बाहर की हो सामान्य नियम के रूप में। तो पहले सिंपल क्लियर 245 क्या है, वो क्षेत्र के आधार पर यूनियन को शक्ति प्रदान करता है कि वो अपने राज्य क्षेत्र, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने के लिए स्वतंत्र है, और साथ में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी रखते हैं, उनके द्वारा बनाई गई विधियाँ भारत के बाहर किसी नागरिक पर, भारत के नागरिक पर या उसकी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाली बनाई जाती हैं, तो इस आधार पर शून्य नहीं होगी कि वो क्षेत्रातीत प्रभाव रखती है। दूसरा इसका नकारात्मक पहलू कि राज्य अपने ही क्षेत्र के भीतर विधियाँ बनाने में सक्षम है, उसके बाहर नहीं, अर्थात राज्य को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ बनाने की शक्ति नहीं दी गई है। यह एक सामान्य नियम खत्म हो गया। अब इसका एक अपवाद छुपा हुआ है यहाँ पर कि राज्य अपने
क्षेत्र से बाहर विधि बना सकता है कि नहीं, तो इसके लिए एक एक्सेप्शन है टेरिटोरियल नेक्सस। टेरिटोरियल नेक्सस देखिए, टेरिटोरियल नेक्सस टेरिटोरियल नेक्सस क्षेत्र समीपता का सिद्धांत। अगर स्टेट को ऐसी विधि बनाता है जो उसके क्षेत्र से बाहर है, किंतु जो विषय वस्तु है जिसके लिए वो विधि बनाने जा रहा है उससे उसका संबंध कैसा है, नेक्सस कैसा है, ये देखा जाता है। तो टेरिटोरियल नेक्सस एक अपवाद सृजित करता है इस बिंदु पर कि अगर कोई राज्य का विधानमंडल अपने राज्य से बाहर कोई विधि प्रभावित करता है तो वह विधि सामान्य नियम के अनुसार ये पावर नहीं रखे, किंतु अगर टेरिटोरियल नेक्सस प्रूव कर दिया जाएगा तो विधि विधिमान्य हो जाएगी। तो अगर इस बिंदु पर अगर आप केस देखना चाहें तो एक इम्पॉर्टेंट केस है ये आपको, वो है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी किस बिंदु पर है, टेरिटोरियल नेक्सस पर। अगर इसको समझना चाहें, इसको समय थोड़ा सा देना पड़ेगा, लंबा केस, थोड़ा सा केस है जबकि इसको विस्तार में देखेंगे, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं तो पॉइंट को फोकस करिए कि 245(1) का सबसे पहला हिस्सा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, आपके पास स्टेट पास नहीं है। कब कर सकते हैं, जब टेरिटोरियल नेक्सस हो। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस बात पर ध्यान रखना चाहिए क्या विधानमंडल मतलब स्टेट का जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स हैं क्या वो ऐसी विधि बना सकते हैं जिसका प्रभाव क्षेत्रातीत यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हो, तो आपका जवाब होता है नो, नहीं बना सकते। लेकिन एक्सेप्शन अगर पूछा जाए, एक्सेप्शन है क्या, तो कहते हैं कि टेरिटोरियल नेक्सस है और इस पर कोई केस है तो केस क्या है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी। तो आपका पहला हिस्सा ब्रीफ में कवर होगा। अब दूसरे हिस्से पे आते हैं, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, इसको एक बार काटे समझ लीजिए, बहुत ही टिपिकल है। बस खाली ये देख लीजिए 245 लिख लीजिए पहले, फिर उसमें क्लास पहले 1 लिख दीजिए और इसमें यूनियन को निकालिए यानी पार्लियामेंट चुनाव बनाएगी और स्टेट लेजिस्लेचर यानी लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, इन दोनों की शक्ति देख लीजिए। सबसे पहले ये टेरिटरी इंडिया की है, तो इस पूरे इंडिया की टेरिटरी के लिए या इसके किसी भी पार्ट के लिए यूनियन यानी पार्लियामेंट ला बनाने में सक्षम है और यूनियन इसके खंड 2 के प्रभाव से 245 से खंड इसके नहीं 245 से खंड 2 के प्रभाव से इसके बाहर इंडिया के बाहर भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्षेत्रातीत विधि बनाने के लिए भी समर्थ है और वह विधि शून्य नहीं होगी। ये हो गया इससे संबंधित। अब इसी का जो 245 है इसी के खंड 1 में ही लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स केवल जैसे अपनी स्टेट्स है या ये यूपी है ये एमपी है ये अपने क्षेत्र के अपने राज्य के लिए विधि बनाए सक्षम है या उसके किसी भाग के लिए बनाए सक्षम है, लेकिन कोई ऐसी विधि जो क्षेत्रातीत हो इसके क्षेत्र के बाहर हो यह विधि बनाने के लिए सक्षम नहीं है। और इसका जो अपवाद है वो है पहला नहीं है, फिर इसका अपवाद है टेरिटोरियल नेक्सस। अगर टेरिटोरियल नेक्सस है तो बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और टेरिटोरियल नेक्सस आप केस वाद के तथ्यों पर निर्भर करेगा और उसके लिए जो प्रिंसिपल दिया गया है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी के केस में, तो ये आपका एक हिस्सा समाप्त हो गया। चलिए दूसरे हिस्से पे चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखे रहिएगा। 248 रेसिड्यूरी पावर्स कहाँ है, अब लेजिस्लेटिव जो पावर्स हैं सब्जेक्ट मैटर के आधार पर दी जा रही है, विषय वस्तु के आधार पर,
पहले तो आप क्षेत्र के आधार पर देखते हैं कौन विधि बना सकेगा, अब विषय वस्तु। अब इसका मतलब हो गया कि जो अनुसूची यहाँ लिखेंगे आर्टिकल क्रोन डाल लीजिए 240 अनुच्छेद डाल लीजिए यहाँ पर आर्टिकल वो आर्टिकल डालिए सॉरी अनुसूची अनुसूची डाल लीजिए 7 शेड्यूल 7 शेड्यूल 7। अब जो शेड्यूल 7 देखेंगे तो इसमें लिस्ट बनी है यानी सूचियां बनी है, एक लिस्ट दो लिस्ट और 3 लिस्ट। तो सब्जेक्ट मैटर मतलब कोई जो विषय वस्तु गिनाए जाएंगे कहाँ पर अनुसूची 7 में जो सूचियां दी गई हैं तो सूचियों के नाम हैं केंद्र सूची यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। तीन प्रकार की आपको लिस्ट दिखाई पड़ेगी यानी सब्जेक्ट मैटर जो आप सब्जेक्ट मैटर क्या गिनाए जाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जिन पे यूनियन लॉ बनाएगी जिन पर स्टेट लॉ बनाएगी या दोनों ही बनाने में सक्षम होंगे। इसलिए ये प्रावधान अनुसूची 7 को देखना जरूरी है जिसमें लिस्ट दी है केंद्र स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची। पहला काम तो यही कर लिया। तो एक दिमाग में रखने वाली बात है यहाँ पर कि जो विषय वस्तु का आधार पर जो वितरण किया जा रहा है वो शेड्यूल 7 में दिया गया है। फिर तीन तरह के लिस्ट दी गई हैं यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट। फिर इसमें कितने विषय गिनाए गए हैं ये थोड़ा देखना पहले। फिर दूसरा सवाल पहला ये हो गया, दूसरा सवाल कितने विषय, पहला इसका सोर्स क्या दिखा तो आपने कहा कि ये 7 लिस्ट है उसमें दिया हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा कि इसमें कितने सब्जेक्ट गिनाए गए हैं प्रत्येक लिस्ट में कितने, जवाब मिला 97 66 और 47। तो इसमें जो सब्जेक्ट हैं गिनाए गए हैं 97 केंद्रीय लिस्ट में विषय हैं, स्टेट लिस्ट में 66 विषय हैं, समवर्ती सूची में 47 यानी 47 विषय हैं। और ये जो समवर्ती सूची आ गई है यहाँ पर तो यहाँ तुरंत देख लीजिए इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कहाँ से आई है। जैसे अवशिष देखिए कनाडा से आई, वैसे यहाँ आपने लिख लिया ऑस्ट्रेलिया से आई है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा था तो इस बात पर जरूर ध्यान रखा जाता है कि विस्तार में नहीं दिया जाता बल्कि उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा जाता है जहाँ से इनमें कंट्रास्ट पैदा होता है, ब्राइटनेस आती है। तो कहाँ समवर्ती सूची तो सिंपल है लेकिन आई कहाँ से, अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑस्ट्रेलिया से आई, कितने विषय हैं 47 हैं, लेकिन गिनने की दृष्टि से आप जब गिनेंगे अभी वर्तमान तो उसमें नंबर्स अलग हो जाते हैं लेकिन एंट्री देखेंगे तो 97 66 47 दिखाई पड़ेंगे आपको। तो पहला सवाल हो गया। अब इनमें एक एक करके चूँकि इसमें दिखाया गया कि रिलेशन कैसा होगा तो जो इसमें सब्जेक्ट गिनाए गए उन पर किस प्रकार से विधि बनाने की शक्ति होगी इसको संक्षेप में देखते हैं। सबसे पहले जो यूनियन लिस्ट है इसमें 97 सब्जेक्ट गिनाए और ये जो आखिरी एंट्री है 1 से लेकर जो 97 लिखी होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर मैंने लिखा था 248 यहीं लिख देता हूँ 97 क्योंकि वो कहता है कि 248 की पार्लियामेंट उन विषयों पार्लियामेंट जो है अवशिष्ट शक्ति यानी आप एग्जांपल दे सकते हैं जैसे 246 का जो 4 है वो कहता है पार्लियामेंट पूरे भारत राज्य क्षेत्र के लिए विधि बना सकती है और ऐसे राज्य क्षेत्र जो किसी राज्य में ना आते हो उनके लिए भी विधि बना सकती है। तो रेसिड्यूरी पावर यहाँ पर और साथ 97 कैद में ये भी लिखा है इसको पूरा करने के लिए कि ऐसे विषय इस पर तो बना ही सकती है ऐसे विषय जो समवर्ती सूची में गिनाए गए हैं और इसमें गिनाए गए उसके अतिरिक्त हैं जो नहीं भी आते हैं तो भी उन पर जो विषय उन पर विधि बनाने की शक्ति 97 में एंट्री के द्वारा केंद्र को यानी पार्लियामेंट को होगी। तो संवर इसका मतलब होगा अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं जो कहीं भी कोई भी सब टेरिटोरी के आधार पर छूट जाए या इनके आधार इनमें भी ना आता हो पूर्णतः किसी तरह बच जाए रेसिड्यूरी में बचा हुआ हो जाए वो सारी की सारी शक्तियाँ 97 के द्वारा
केंद्र को प्राप्त हो जाती है। इसलिए जब भी पूछा जाए अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ पढ़नी है, 248 97 में, जब कभी कभी ऑप्शन कभी कभी किसी एग्जाम में आ जाते हैं जिनमें पूछ दिया जाता है कि ऑप्शन में कभी कभी लिखा होता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ आर्टिकल 248 7 एंट्री नंबर सेंट्रल के यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 97 ए एंड बी दोनों, तो इसमें ये दोनों ही आंसर से बनते हैं। तो ये सवाल बहुत केयरफुली पढ़े जाने चाहिए इस प्रकार के। सिंपल, अब इसका इंटरप्रिटेशन देख लीजिए, इसको ब्रीफ में 2 मिनट के अंदर खत्म करते हैं इसको। ये कह रहा है कि 97 इसमें थोड़े थोड़े नंबर्स हैं और इसमें जो शक्ति विषय गिनाए गए हैं एक्सक्लूसिव अनन्य शक्ति, इनमें जो कानून बनाने की शक्ति है वो यूनियन को ही होगी, राज्य को नहीं होगी। ये तो सिंपल शक्ति की, यानी जो केंद्रीय शक्ति की संप्रभुता है, जो इसका जब निर्वाचन इलेक्शन इंटरप्रिटेशन करते हैं सूचियों का, तो प्रमुखता जो है केंद्र को ही दी गई है। तो यूनियन जो है इन विषयों पर अनन्य शक्ति रखती है। दूसरा, जो राज्य सूची के विषय हैं इस पर थोड़ा सा गौर करिए कि राज्य सूची के विषयों पर इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए सब्जेक्ट टू द प्रोविजन इनमोरेटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी अन्य प्रावधान गिनाए गए हैं उनके अंतर्गत रहते हुए राज्य को अपने इन विषयों में कानून बनाने की विधि बनाने की अनन्य शक्ति होगी। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि अनन्य शक्ति होगी लेकिन उपबंधों के अधीन है। तब क्या है, तब आप यहाँ से पहला क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए कि यहाँ तो मिटाल देता हूँ कि इन विषयों पर केस यूनियन लिस्ट पर बनाए गए शब्दों में वो बनाए गए लिखे गए इनमोरेटेड परिगणित शब्दों विषयों में यही बना सकेगी, यानी केंद्र सूची में गिनाए गए विषयों पर केंद्र को पूर्ण शक्ति है, बनाए एक्सक्लूसिव पावर है। और जहाँ पर आ गए ये राज्य सूची के विषय, राज्य सूची के विषय पर संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य को अनन्य शक्ति है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पर इनमें बताए गए विषयों पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ये परीक्षा की दृष्टि उपयोगी होते हैं। वो कौन से प्रावधान है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 249 250 252 253, और चाहे तो 356 ले लें लेकिन इसको अलग कर लीजिएगा, पहले इसको हटा दीजिए। इसको देखो, इससे जो चैप्टर में क्वेश्चन किया गया कि राज्य सूची के विषयों पर केंद्र विधि बना सकती है या नहीं, बना सकती है, अनन्य शक्ति तो आपकी है लेकिन सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया तो विशेष परिस्थितियाँ हैं। तब अब 249 की हेडिंग देख लीजिए, हेडिंग से याद हो जाते हैं सवाल। राष्ट्रीय हित, अगर कोई ऐसा इसमें विषय है जो राष्ट्रीय हित का हो गया तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पर कैसे हो, तो कहते हैं कि जब राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दिया जाए कि अमुक विषय राष्ट्रहित का है तो उस विषय पर विधि बनाने की शक्ति यूनियन को प्राप्त हो जाती है, ये 249 में है, और यह शक्ति संकल्प पारित होने के 1 वर्ष तक रहती है। पुनः अगर समाप्त हो जाएगा तो फिर उसी तरह संकल्प पारित करके 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, राष्ट्रीय हित के विषयों पर बनाया जा सकता है जबकि राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों के संकल्प पारित कर दिया जाए। तो यूनियन जो है पार्लियामेंट है वो इस लिस्ट पर भी इस हिस्से पर काउंट करती है। फिर 250, अब 250 को थोड़ा सा देखें अगर, तो कह रहा है आपात उद्घोषणा इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी गई है, उद्घोषणा कर दी गई है, तो जब आपात उद्घोषणा कर दी गई है तो राज्य सूची के विषयों पर जो कानून बनाने की शक्ति है वो पार्लियामेंट में चली जाती है, तब बना सकती है। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, यहाँ 6 मंथ शब्द का प्रयोग किया जाएगा इस आर्टिकल में, अर्थात जब इमरजेंसी समाप्त हो जाएगी तो उसमें बनाई गई जो विधि है 6 महीने के समाप्त पर स्वतः अप्रभावी हो जाएगी। 6 मंथ की समाप्त पर स्वतः वह विधि अप्रभावी हो जाएगी जो कि तब बनाई है उसने जबकि इमरजेंसी थी, अन्यथा बनाने में सक्षम न होती। तो 250 क्या कहता है, इसमें राष्ट्रहित, इसमें इमरजेंसी
अगर आपात घोषणा प्रवर्तन में है तब वो बनाने की शक्ति रखती है। राज्य सूची के विषयों पर 252 अब कहता है दो या दो से अधिक स्टेट, दो या मोर देन टू स्टेट अगर इस संबंध का प्रस्ताव पारित कर देते हैं वहाँ से कि ये कुछ राज्य सूची में गिनाए गए शब्द के विषय हैं, इन पर कृपया यूनियन विचार करे और लागू विधि बनाए जिससे हम इससे मुक्त हो जाएं। तो सीधा बात है कि अगर दो या दो से अधिक राज्य सहमत हो जाते हैं तो वो विधि उस विषय पर जो विधि बनाने का जो अधिकार है उस राज्य में वो 252 के द्वारा पार्लियामेंट को पास प्राप्त हो जाता है। इसको जरूर देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल, इसकी हेडिंग याद रखिएगा, इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट, इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट, अंतर्राष्ट्रीय संधियां एवं करार, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करार पर, चूंकि इंटरनेशनल का जो आपने एग्रीमेंट्स किए हैं वो भारतीय विधि में तभी प्रभावी होंगे जबकि संसद विधि बनाकर उन्हें लागू करें, भले ही वो राज्य सूची में संबंधित विषयों पर क्यों ना हो। तो ये 253 में इन करारों को प्रभावी करने के लिए भी 253 के द्वारा शक्ति प्राप्त हो गई है। तो इसको हेडिंग से देख लीजिए, यहाँ पर ही आपका कंप्लीट हो जाएगा लगभग। और लास्ट में समवर्ती सूची को देख लीजिएगा, ये इसमें याद रखिएगा, इसमें यूनियन भी, इसमें गिनाए गए सब विषयों पर यूनियन भी विधि बना सकती है यानी पार्लियामेंट, और स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट भी लॉ बना सकते हैं यानी स्टेट को भी पावर दी गई, यानी इन दोनों को दी गई कंकरेंटली समवर्ती। लेकिन इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि अगर दोनों ही लोगों ने कोई विधि बनाई है इस पर बनाए गए विषयों पर तो प्रभावी विधि किसकी होगी, प्रभावी विधि यूनियन की होगी, पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई विधि राज्य की विधि पर अधिभावी होगी, एक सिद्धांत। दूसरा, अगर राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति प्राप्त कर ली गई है, राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य सरकार, राज्य के द्वारा उस विषय पर अनुमति प्राप्त कर ली गई है और विधि बनाई गई है तो वह विधि उस राज्य में प्रभावी होगी, दूसरा सिद्धांत। तीसरा, उसके पश्चात भी, राष्ट्रपति के अनुमति के पश्चात भी अगर पार्लियामेंट फर्दर उससे संबंधित कोई विधि बनाती है, उसे मॉडिफाइड करती है, रिपील करती है तो वो प्रभावी हो जाएगी। जावेर भाई का केस इस पर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जावेर भाई का केस इस पर महत्वपूर्ण है, किस बात पर, समवर्ती सूची के इंटरप्रिटेशन पर। फिर इससे संबंधित एक सिद्धांत पूछते हैं, क्या है, असंगति का सिद्धांत, असंगति, रिपग्नेंसी, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, रिपग्नेंसी किस किस, तो इसके लिए देखना पड़ेगा आपको, ये जो हम बोल रहे थे इसकी व्याख्या 254 के थ्रू कर रहे हैं, 254 के थ्रू, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। रिपग्नेंसी माने असंगति, असंगति, अब आप एक ही सब्जेक्ट मैटर पे दोनों बना रहे हो तो आप कहते हो कुछ करो, ये कहते ना करो, तो दोनों में विरोधाभास हो जाएगा। तो इस असंगति का जो सिद्धांत है वो कहाँ पर दिखाई पड़ता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी समवर्ती सूची संबंधित है, और इसका सीधा हल यही दिया कि जो पार्लियामेंट की बनाई गई विधि है वो स्टेट के ऊपर अधिभावी हो जाती है और जितनी मात्रा तक वो उसके विरोध में वहाँ तक शून्य हो जाएगी। तो ये सिंपल नियम देखे आपने, और इससे संबंधित दो डॉक्ट्रिन है, इनका नाम मैं बता देता हूँ खाली शॉर्ट में, उसको देख लीजिए, समय कम है। फिस एंड सब्सटेंस, तत्व एवं सार का सिद्धांत नंबर एक, इस पर केस याद रखिए, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल कुमार वर्सेस बैंक ऑफ खुलना, बैंक ऑफ खुलना, इस बिंदु पर बहुत ही महत्वपूर्ण, ये परीक्षा के दृष्टि महत्वपूर्ण है। पिच एंड सब्सटेंस, इसको डिटेल में बाद में बताया जाएगा, बस कोई परीक्षा के दृष्टि देख ली नोट करते समय कि पिच एंड सब्सटेंस, तत्व और सार का सिद्धांत किससे संबंधित है, केस क्या है इस पर, बैंक ऑफ प्रफुल्ल कुमार वर्सेस बैंक ऑफ
खुलना का केस महत्वपूर्ण है। दूसरा कलरेबल लेजिस्लेशन यानी छद्म विधायन, तो छद्म विधायन का एक चीज याद रखिएगा, जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब ने आर एन जोशी वर्सेस अजीत के केस में एक बात कही थी, कहा था जो काम आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हैं वो आप अप्रत्यक्ष भी नहीं कर सकते हैं, तो जो चीज वास्तविक नहीं उसे आप किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस पर छद्म विधायन के ऊपर यह कि जब विधानमंडल कोई विधि डायरेक्ट नहीं बना सकता है उसे अप्रत्यक्ष तरीके से बनाता है क्योंकि उसको ऐसी बनाने की शक्ति नहीं है, तो कलर बेस्ड रजिस्ट्रेशन के आधार पर शून्य कर दी जाएगी। तो कलर बेस्ड रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर इसे केस दिखा दी, केस देख लीजिए कामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तत्व सार का सिद्धांत केसला कलर बेस्ड रजिस्ट्रेशन। इसके बारे में एक बात याद रखिए, किताब से चाहे भी देख लीजिएगा समय हो तो, कि इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग बस इतना देख लीजिएगा, जो कार्य आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते वो अप्रत्यक्ष भी नहीं कर सकते। विधानमंडल को निर्देश इस प्रकार का जस्टिस कृष्णा अय्यर ने आर एम जोशी के मामले में कहा भी है, और कामेश्वर वर्से स्टेट ऑफ बिहार का जो केस है वो इस पर डिसाइड केस है, लीडिंग केस है। तो आपका एक चैप्टर थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है।